इस संसार में हर एक वस्तु को बनाने वाला कोई ना कोई है, और किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी ना किसी वस्तु का इस्तेमाल किया ही जाता है। जैसे कुर्सी को बनाने के लिए लकड़ी का, जहाज को बनाने के लिए लोहे का, इमारत को बनाने के लिए ईंट पत्थर का। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो उसने किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पहाड़ों को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया, पेड़ को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने शब्दों से कहा और सब वस्तुएं बन गई। यदि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में पढ़ें, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर के शब्दों में ही इतनी ताकत है कि केवल उसके कहने मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। वही वचन जिसके द्वारा सृष्टि को रचा, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, अर्थात यीशु मसीह। यदि आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़े, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसका अर्थ ये है कि वही वचन आज हमारे बीच में बाइबल के रूप में जो हम पढ़ते हैं हमारे जीवन को बदलता है। यीशु मसीह वही वचन है जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की गई, और उसी वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। यदि हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद में पढ़ें, तो वहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। वही वचन जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, वो हमारे बीच में आकर रहने लगा ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। यीशु सत्य की साक्षी देने के लिए आया और वह सत्य था। उसकी साक्षी और उसका व्यक्तित्व सत्य के वचन थे। उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और उसने ये भी कहा, मुझ में बने रहो। जब हम उसमें बने रहते हैं तो वचन में बने रहते हैं, और जब हम वचन में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। यदि हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 25 पद में पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। इस संसार की हर एक वस्तु खत्म हो जाएंगी, उनका अंत है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है और ना उसका अंत होता, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है और वो सर्वदा बना रहता है। भजनकार 12 उसके 6 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का वचन ही है हमारे जीवन में जीने की सही राह सिखाता है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला होता है। आज हम परमेश्वर के वचन को बहुतायत के साथ अपने हृदय की गहराइयों में बसने दें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि वही है जो हमें सीधे मार्ग की शिक्षा देता है।